तेलंगाना बिल पर चर्चा के लिए आंध्र विधानसभा को मिला एक और हफ्ता, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। अब आंध्र विधानसभा को 30 जनवरी तक लौटाना होगा बिल, पहले 23 जनवरी तक था वक्त। सोनिया गांधी ने वाणिज्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग। सरकार ने अनसुनी की सोनिया की राय, चिदंबरम बोले सोने के आयात में जारी रहेगी सख्ती। दिल्ली में जैन समुदाय का प्रतिनिधिमंडल सोनिया से मिला, अल्पसंख्यक दर्जा देने पर धन्यवाद दिया। लद्दाख के 3 नागरिकों को पहली बार मिला सेना वीरता पुरस्कार, बर्फ में दबे 2 जवानों को बचाया था। सुनंदा पुष्कर मौत की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच करेगी, पुलिस ने ट्रांसफर किया केस। कश्मीर घाटी में बर्फबारी तीसरे दिन भी जारी, जनवरी में बर्फबारी का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। बनिहाल में 3 फीट और पटनी टॉप में 18 इंच बर्फ पड़ी, एक तरफ से खोला गया जम्मू श्रीनगर हाईवे। हिमाचल प्रदेश में भी ताजा बर्फबारी, शिमला में 10 सेंटीमीटर बर्फ जमा। कुफरी, फागू और नारकांडा में भी भारी बर्फबारी, तिब्बत नेशनल हाईवे ठप। पटना में घने कोहरे से राहत नहीं, 2 दिन तक मौसम में सुधार की उम्मीद नहीं। अमरनाथ यात्रियों को जारी होगा हाई सिक्योरिटी परमिट, अवैध रजिस्ट्रेशन पर लगेगी लगाम। और खबरें मेट्रो की, 26 जनवरी परेड की रिहर्सल में बड़ी चूक, बच्चों का डांस खत्म होने से पहले ही शुरू हुआ विमानों का फ्लाईपास्ट।